योहानी एक मशहूर सिंगर है जिनका एक गाना मनी के मागे हीते आज पूरे इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस गाने पर बनी रील्स को देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल भी उठे हैं, जैसे मनी के मागे हीते सॉन्ग की सिंगर कौन है। तो पहले सवाल का जवाब है, मनी के मागे हीते सॉन्ग की सिंगर योहानी है। लेकिन योहानी से जुड़ी कई और सवाल भी हैं, जैसे योहानी की एज कितनी है, योहानी का जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका बॉयफ्रेंड कौन है, और इनकी नेटवर्थ कितनी है, और इनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर है, और ये रहती कहाँ पर है। तो सारी डिटेल आपको देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको मनी के मागे हीते सॉन्ग पसंद आया है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। योहानी का फुल नेम योहानी दी सिल्वा है और प्यार से इन्हें यो ही बुलाते हैं। योहानी प्रोफेशन से एक सिंगर, सॉन्ग राइटर, रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर है। योहानी का जन्म 3 जुलाई 1993 को कोलंबो श्रीलंका में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 28 साल की हैं। दोस्तों, योहानी शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई विशाखा विद्यालय कोलंबो से की, जिसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया सर जॉन कोटेला वाला डिफेंस यूनिवर्सिटी में और यहां से इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इन लॉजिस्टिक्स में डिग्री हासिल करी। वैसे तो योहानी काफ़ी समय से सिंगिंग कर रही है और अब तक कई मशहूर गाने भी बना चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका एक गाना मनी के मागे हीते इंडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। इनके इस गाने पर कई रील्स भी बनाई जा रही है और तो और अमिताभ बच्चन ने भी इनके गाने पर बनी अपनी एक रील को इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। जैसा कि हमने बताया कि योहानी का जन्म कोलंबो में हुआ, तो उस हिसाब से योहानी नेशनलिटी से श्रीलंकन है। अगर बात करें इनके धर्म के बारे में तो दोस्तों योहानी एक क्रिश्चियन है। अब बात करते हैं योहानी के करियर के बारे में। योहानी बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहती थी, जिसके चलते इन्होंने यूट्यूब चैनल योहानी बनाया जिस पर ये मशहूर गानों को अपनी आवाज़ में कवर करती थी। इसकी शुरुआत इन्होंने साल 2016 में कर दी थी, लेकिन 4 साल तक इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। तब इन्होंने फैसला किया कि ये अब खुद से ही गाने लिखेंगी और खुद से ही उन्हें कंपोज भी करेंगी। इसके बाद इन्होंने अगस्त 2020 में अपना फर्स्ट सॉन्ग आई रिलीज़ किया। इस गाने को अभी तक 15 लाख से ज़्यादा लोग सुन चुके हैं। पहली सफलता के बाद सितंबर 2020 में चमत संगीत के साथ मिलकर इन्होंने अपना दूसरा सॉन्ग सीधा दवूना रिलीज किया। दिसंबर 2020 में अपने पापा को ट्रिब्यूट देते हुए इन्होंने अपना तीसरा सॉन्ग रावत दासिन रिलीज किया। उस महीने में 21 दिसंबर को योहानी ने अपना चौथा सॉन्ग मैरी क्रिसमस रिलीज किया। फिर बारी आई इनकी जिंदगी बदलने वाले गाने की। 22 मई 2021 को योहानी ने मनी के मागे हीते सॉन्ग रिलीज किया, जो कि काफी वायरल हुआ। अभी तक इन्हें सिर्फ लोग श्रीलंका में ही जानते थे, लेकिन अब इंडिया में वायरल होने के बाद इनके सब्सक्राइबर्स, व्यूज, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको मनी के मागे हीते सॉन्ग कैसा लगा। चलिए मिलवाते हैं आपको योहानी की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है प्रसन्ना दी सिल्वा और इनकी मदर का नाम है दीनीति दी सिल्वा और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है साविंदरी दी सिल्वा। बात करें इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में तो दोस्तों ये अभी अनमैरिड हैं और ये करंटली किसी को भी डेट नहीं कर रही हैं। अब बात करते हैं योहानी आखिर रहती कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, योहानी कोलंबो श्रीलंका में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। वहीं बात करें योहानी के इनकम के बारे में तो दोस्तों योहानी पर मंथ 10 लाख रुपये कमाती हैं। अब बात करते हैं योहानी के नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों योहानी की नेटवर्थ है लगभग 3 करोड़ रुपए। तो ये थी योहानी की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।